भाग्योदय। लाइव टुडे के विशेष कार्यक्रम भाग्योदय में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज 20 दिसंबर 2016 पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सायंकाल 6:44 तक है। चंद्रमा सिंह राशि में है। सायंकाल में 8 बजे के बाद में कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएगा। दर्शकों, आई चर्चा करते हैं कि आज छोटे छोटे कौन से उपाय किए जाएं जिससे आपका दिन शुभ हो, बेहतर हो, आपके कार्य में और अच्छी प्रगति हो। पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातक, आज के दिन आपको स्नान आदि करने के बाद में पहला काम है कि गणेश जी की आप वंदना करेंगे। तत्पश्चात आप आज के दिन से प्रारंभ करें, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना है। हनुमान चालीसा में आप संपूर्ण लगाएं, पवन कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ये तात तुम पाही। इस चौपाई का संपूर्ण लगाएंगे, बहुत बड़ा कल्याण होने जा रहा है। वृषभ राशि के जो जातक हैं, थोड़ा सा मानसिक तनाव में हैं और पारिवारिक तमाम विसंगतियां हैं, इसको दूर करने के लिए आपको आज के दिन भगवान शिव की उपासना करनी है। और आपको एक चौपाई बता रहा हूँ, उस चौपाई को ही रटिए कि गुरु पे तो माँ तो महेश भवानी और प्रणव हूँ दीन बंधु दिनु दानी। इस चौपाई को 108 बार आज जपिए, भगवान बहुत बड़ा कल्याण करने जा रहे हैं। मिथुन राशि के जो जातक हैं, मानसिक तनाव, उदर विकार, बैकबोन में तमाम पीड़ाएं दिखाई पड़ रही हैं, आज के दिन आपको आलस कम करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद में गणेश जी की आप वंदना करें, और जब गणेश जी की वंदना करने के बाद में भगवान गणेश को इलायची अर्पण करें, दूर्वा अर्पण करें, और इलायची प्रसाद में खाते हुए जाएं काम पर, बहुत बढ़िया होगा, दिन बेहतर होगा। कर्क राशि के जातक हैं, आज के दिन उन्हें स्नान आदि करने के बाद भगवती की पूजा करनी है। कवच अगला कीलक का पाठ करें, एकादश अध्याय का पाठ करें, तत्पश्चात भगवती को बताशा अर्पण करें, वही आप बताशा प्रसाद में खाएंगे। इस तरह करेंगे, दिन बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि के जातक, आज के दिन आपको पपीते का दान करना है, पपीता खाना भी है, सूर्य नारायण को जल देना है, और आप आज के दिन किसी को अपनी वाणी से कष्ट नहीं देंगे, सबसे अच्छा बोलेंगे, वाणी संयम रखें, बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि के जातक हैं, आज आप थोड़ा सा तनाव में दिख रहे हैं, थोड़ा आर्थिक स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं, संतान संबंधी कुछ विवाद हो सकता है, तो आपको चाहिए कि आज के दिन आप गणेश जी की प्रार्थना करने के बाद भगवती गौरी की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, तत्पश्चात आप भगवान को पीले फल को अर्पण कर दें, बहुत लाभ होगा। और जब घर से आप जाएं तो काजू खाते हुए जाएंगे तो लाभ होगा। तुला राशि के जातक, शनि पैर पर ढैया उतरती हुई है, पैरों का ध्यान रखें, अचानक कहीं दुर्घटना का योग बना हुआ है, वाहन थोड़ा सोच समझ के चलाएंगे तो बेहतर होगा। और आज के दिन आप छाया दान करें, तेल में अपने मुख को देख करके दान करेंगे, बहुत लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातक, आज के दिन आप काली मिर्च, काली उड़द, सरसों का तेल ये अलग अलग थोड़ा सा लेकर दान करें, हनुमान जी की पूजा करें, बहुत लाभ होगा, माता को प्रणाम करें, और जब घर से बाहर जाएं तो इलायची खा के जाएंगे तो कल्याण होगा। धनु राशि के जो जातक हैं, आज के दिन स्नान आदि करने के बाद में सूर्य नारायण को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तत्पश्चात गायत्री मंत्र पढ़ लें, तो ऐसा करने पर सूर्य और गुरु दोनों आदित्य योग बन जाएगा और दिन बहुत बेहतर होगा। मकर राशि के जातक को आज के दिन बहुत सावधान रहना है, आपको श्री हनुमान जी के मंदिर जाना है, 11 परिक्रमा करनी है हनुमान जी की, परिक्रमा करते हुए ओम हं हनुमते नमः का जप करेंगे, तत्पश्चात आप शनिदेव के मंदिर जाएं और शनिदेव को आप सरसों तेल में काला तिल मिला करके और अर्घ देंगे। अर्घ देते समय ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र बोलें, ऐसा करने पर तमाम नेगेटिविटी, नकारात्मक विचारधाराएं समाप्त हो जाती हैं, शनिदेव की कृपा बरसने लगती है।
कुंभ राशि के जो जातक हैं, आज के दिन आपको काला तिल, थोड़ा सा लोहे का टुकड़ा या लोहे का तावा आप दे सकते हैं दान, तो सात प्रकार के अनाज दे सकते हैं। इस तरह दान करने पर लाभ होगा। आज के दिन आपको अधिक से अधिक चीज़ों का दान करना चाहिए। दान करने से आज लाभ मिलने वाला है। तो कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि विशेषकर दान पर आज ध्यान देंगे, चाहे फल हो या जल हो या अन्न हो। मीन राशि के जातक जो हैं मानसिक तनाव में हैं, वाहन दुर्घटना का योग बना हुआ है, आर्थिक थोड़ा दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं। 2 बजे के बाद दोपहर बेहतर दिन होगा, अर्थ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन आपको चाहिए कि आप जल दान करें। जल दान कहते हैं कि किसी को प्यासे को जल पिला देना। आज के दिन आप गुड़ और सौंठ मिला करके, इस तरह लड्डू बनता है, उसे आप दान दे दें, बहुत लाभ होगा। गुड़ का दान करने से लाभ होगा, हल्दी का दान करने से लाभ होगा। आज के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं, जल में हल्दी मिला करके शिव को अभिषेक करने पर विशेष पुण्य की प्राप्ति का योग दिखाई पड़ रहा है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः भेंट होगी। नमस्कार, जय श्री राम। भा